हेलो नमस्ते कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, गेंकी देस का आई होप गेंकी देस। तो इस चैनल पे मैं आसान तरीके से आप लोगों को हिंदी से जापनीज सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले, ग्रामर शुरू करने से पहले, सबसे पहले आप लोग वोकैब का वीडियो देखिए ताकि आपका वर्ड कम्प्लीट हो, क्योंकि जब तक आपका वर्ड कम्प्लीट नहीं होगा ग्रामर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेसन 32 ग्रामर। तो चलो साथ में मिल करके लेसन 32 ग्रामर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रामर है और एग्जाम्पल से समझते हैं कि उसको कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ग्रामर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, टेबल बना रखा है, और यहाँ पे कौन कौन से ग्रामर पॉइंट है लेसन 32 में वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ग्रामर नंबर वन है लेसन 32 का, वर्ब ता होगा ईदेस। ठीक है, एंड वर्ब नाई फॉर्म होगा ईदेस। इस ग्रामर पॉइंट को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो हम जानेंगे। वर्ब ता होगा ईदेस यूज करते हैं मेक अ सजेशन फॉर गिव एडवाइस। किसी को अगर हम कुछ सजेस्ट करते हैं, किसी को कुछ एडवाइस देना हो, तब हम ये वर्ब ता होगा ईदेस कि ये अगर करना आपके लिए बेहतर होगा, ये करोगे तो अच्छा होगा। एंड वर्ब नाई होगा ईदेस मतलब कि ये मत करो, लाइक कुछ करना आपके लिए है, कुछ वर्ब है जो करना आपके लिए अच्छा होगा। एंड लाइक था भी नाई होगा ईदेस कोनो रिओरिवा था भी नाई होगा ईदेस कि ये खाना खाना अच्छा नहीं हो, ठीक है, आपके लिए बेहतर नहीं होगा। एंड वर्ब ता होगा ईदेस मतलब क्या होता है कि ये जो आप कर रहे हो ये आपके लिए करना अच्छा होगा, ये फूड आपके लिए खाना अच्छा होगा, ये पढ़ना आपके लिए अच्छा होगा, यानी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वहां पे हम ये वर्ब यूज करते हैं। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, वर्ब ता होगा ईदेस एंड वर्ब नाई होगा ईदेस, पता ही चल गया कि कहाँ पे यूज करते हैं। वर्ब ता होगा ईदेस, इट्स बेटर टू यूज शुड, यानी आप ये करोगे तो अच्छा होगा, आपके लिए ये करना बेहतर होगा, ये जहाँ पे हम किसी को एडवाइस देते हैं या सजेस्ट करते हैं। इट्स बेटर टू यू शुड नॉट, आपको ये करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसके लिए हम निगेटिव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि आप ये आपके लिए ये करना बेहतर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो चलो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इट्स बैड फॉर द बॉडी सो यू बेटर क्वाइट स्मोकिंग। खारा दानी वारो देश करा मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तबाको यामिता होगा ये देश कि आपको जो तबाको है यानी सिगरेट है उसको छोड़ना होगा। ठीक है, ओके समझ गए, क्योंकि क्या है, हेल्थ के लिए तंबाकू सही नहीं है, शरीर के लिए सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सजेशन दे रहा है ना किसी को कि आप यू शुड नॉट डू, यानी आप ये मत करो, ठीक है, या आप मत पियो, इसको छोड़ दो, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं वहां पे, एडवाइस दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, होटल्स गेट क्राउडेड इन समर सो यू शुड मेक अ रिजर्वेशन अर्ली। यहाँ पे क्या एडवाइस दे रहा है कि समर में यानी समर वेकेशन में क्या होता है कि होटल सब में भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाता है, तो आपको रिजर्वेशन जो है पहले करा लेना है, यानी जल्दी करा लेना है, ठीक है, या करा लेना चाहिए, आपको जल्दी करा लेना चाहिए, ये कह रहा है। नासु यासु मिनी वा होतेरुगा कोमी मास नो दे हयाकु यो याकु शीता होगा इदेस, यानी समर वेकेशन में जो होटल है उसमें भीड़ भाड़ हो जाता है, इसलिए हयाकु यो याकु शीता होगा इदेस, यानी आपको जल्दी रिजर्वेशन करा लेना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू हैव अ फीवर सिंस यस्टरडे यू बेटर गो टू द हॉस्पिटल। कह रहा है कि आपको ना कल से फीवर है, डू यू हैव अ फीवर सिंस यस्टरडे कि क्या आपको कल से फीवर है, इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि आपको कल से फीवर है। ठीक है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू फीलिंग बैड यू बेटर नॉट वर्क टू मच। आर यू फीलिंग बैड यानी क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, चोसी गा वारो देश का आर यू फीलिंग बैड मुड़ियो सिनाई होगा ई देश, मुड़ियो सिनाई होगा ई देश कि तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, मुड़ियो सिनाई होगा ई देश यू बेटर नॉट वर्क टू मच, आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है देसो। देसो कहाँ पे यूज करते हैं, एक्सप्रेस दैट समथिंग विल हैपन,
कहाँ पे यूज करते हैं? जब स्पीकर जो है अनुमान लगा रहा हो या कोई चीज पूछ रहा हो अनुमान लगा के कि क्या आज बारिश होगा, अनुमान लगा, किसी चीज को अज्यूम करना अनुमान लगा रहा होता है, तो कि ये चीज होगा वहां पे हम इस ग्रामर पॉइंट को यूज करते हैं, जहां पे जो स्पीकर है वो क्या है, अनुमान लगा रहा होता है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, या एक्सप्रेस कर रहा होता है कि शायद ये होगा। ओके, किसके साथ ये यूज होता है? वर्ब प्लेन फॉर्म दे सो, ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव एंड नाउन दे सो, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है? वर्ब प्लेन फॉर्म के साथ, ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव एंड नाउन के साथ, यानी हो सकता है, अज्यूम कर रहा है, ठीक है। द रेन विल प्रोबली स्टॉप इन द इवनिंग, यू गाता वा हामे गा यामु दे सो, कि शायद शाम तक जो बारिश है वो रुक जाएगा, ठीक है, क्या कर रहा है, अनुमान लगा रहा है। ओके, देयर इज अ मीटिंग इन द आफ्टरनून, द डिपार्टमेंट हेड विल प्रोबली बी बिजी, गोगोवा खाएगी देश का बुचोवा इसुगासी देश हो, क्या कह रहा है यहाँ पे कि गोगोवा खाएगी देश का, कि आज दोपहर में क्या है, मीटिंग है, इसलिए बुचोवा इसुगासी देश हो, बुचो है जो मैनेजर है वो क्या है, बिजी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, निशुकान नो रियो को नीवा गो मानियन गा जुबुन देसो, निशुकान नो रियो को नीवा गो मानियन गा जुबुन देसो, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 2 सप्ताह के यात्रा के लिए 50,000 इनफ है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, कंटिन्यू फीवर फॉर 3 डेज इट्स प्रोबली इन्फ्लुएंजा, मिस्का कान ने सुगा सुजुई तेरुन देश का इन्फ्लुएंजा देसो, कि 3 दिन से लगातार जो है फीवर है, हो सकता है कि क्या हो, ये इन्फ्लुएंजा हो, ठीक है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट है लेसन 32। लेसन 32 हम कहाँ पे यूज करते हैं, कामु शिरे मासेन, ये लगभग सेम देशों के जैसा यूज करते हैं, जहां पे हम इसको अनुमान लगा रहे होते हैं कि ये चीज होगा या नहीं होगा। ओके, तो इसका देख लेते हैं कि ये कैसे कहाँ पे यूज होते हैं, ये भी सेम देशों के जैसा ही, वर्ब प्लेन फॉर्म के साथ कामोशीरे मशीन, ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव एंड नाउन के साथ कामोशीरे मशीन यूज होता है। ओके, सो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई क्लीन अप अ बीट अ गेस्ट मीट कम टूडे, अगर कि मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ या कर रहा हूँ कि हो सकता है आज गेस्ट आ जाए। चौथो सो जी सीमास, चौथो मीन्स थोड़ा सा, लिटिल बिट, चौथो सो जी सीमास ओकी अक्का शांगा कुरु कामो शिरे माशेन, एंड कामो शिरे माशेन बोलने में लग रहा होगा कि निगेटिव के लिए यूज होता है, कि जहां पे हम निगेटिव चीज के लिए यूज करते हैं वहां पे, बट ये निगेटिव बोलने में लग रहा है, ये निगेटिव जगह पे यूज नहीं होता है ये। नेक्स्ट, आई ब्रिंग माई कोट इट मीट बी कोल्ड इन द इवनिंग, क्या कह रहा है ये कि कोतो ओ मोते इकिमास युगाता नीवा सामुई कामो शिरे माशेन, कि मैं अपना जो कोट है उसको ले लूंगा कि हो सकता है शाम में ठंडी हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई गो बाय ट्रेन बिकॉज देयर मीट बी नो पार्किंग स्पेस, क्या कह रहा है कि देंसा दे इकिमास, कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, चूसा जोगा नाई कामो शिरे माशेन, चूसा जो मीन्स होता है पार्किंग, कार पार्किंग, चूसा जोगा नाई कामो शिरे माशेन, कि हो सकता है चूसा जो यानी पार्किंग में स्पेस ना हो, इसलिए मैं ट्रेन से जाऊंगा, ठीक है। ओके, क्योंकि वो अज्यूम कर रहा है इस चीज को। नेक्स्ट, माई फादर इज रियली स्ट्रिक्ट सो इट्स प्रोबली अ नो, कि मेरे जो पिता हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सो हो सकता है वो ना ही बोले, ठीक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो मेरे पिता हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सो हो सकता है कि वो तो नो ही बोलेंगे, ठीक है। ओके, चीची सानवा सुगोई खिबिशी कारा दामम कामे सिरे माशेन, चीची सानवा सुगोई खिबसी कारा तामे कामो शिरे मासेन, कि जो मेरे पिता हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो इसीलिए वो ना ही बोलेंगे, उसको पहले ही पता है कि होता ना कि
बच्चे कहते हैं कि अरे हम तो मम्मी को बोलेंगे मम्मी ना ही बोलेगी, पापा को बोलेंगे पापा ना ही बोलेंगे, तो उसको पता है कि उसके पिता क्या है, स्ट्रिक्ट है, वो इसीलिए हो सकता है कि वो तो ना ही बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है खितो ताबुन मोस्कास्तारा। ये कहाँ पे यूज होता है? ये एडवर्ब के लिए यूज होता है, एडवर्ब फॉर पॉसिबिलिटी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है? एडवर्ब के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। ओके चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। खितो मीन्स होता है श्योरली। दिस एडवर्ब सो दैट द स्पीकर इज क्वाइट सर्टेन ऑफ व्हाट ही सी इज सेइंग सेम लेवल एज दे सो। समझ गए कि ये लगभग दे सो जैसा ही है खितो। ओके एग्जाम्पल से समझते हैं। मीरा इज प्रैक्टिसिंग दैट मोस्ट श्योरली सी विल विन द गेम। कि जो मीरा है वो प्रैक्टिस कर रही है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, तो श्योर हो सकता है कि वो जीत जाए। मीरा शानवा अन्नानी रेन सुसित्ते इरु कारा खितो सियाई देश का सु देशो। श्योर ही है क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस कर रही है या कर रहा है, तो ये मतलब हो सकता है कि श्योरली जीत ही जाएगा या जाएगी। ओके नेक्स्ट क्या है? ताबुन। ताबुन कहाँ पे यूज करते हैं? मे बी, मे बी के लिए। चलिए इसको देखते हैं। दिस एडवर्ब इज लेस सर्टेन दैट खितो ऑफ्टेन ऑफ्टेन पैरिट विद तोमोई मास। ओके एग्जाम्पल से समझते हैं। इट्स ऑलरेडी टाइम, डू यू थिंक दैट टीचर विल कम? इट्स ऑलरेडी टाइम, डू यू थिंक द टीचर विल कम? ओके मोजिकान देस, अभी भी टाइम है, सेन सेवा करुण देशों का, मे बी ही विल प्रोबली कम। तो क्या कह रहा है कि ताबुन करुण देशों कुरु देशों मोजिकान देस, कि अभी भी टाइम है, सेन सेवा करुण देशों का, कि क्या टीचर आएंगे क्या? अभी भी टाइम है, टीचर अभी भी आएंगे क्या? ताबुन कुरु देशों, कि हो सकता है आएंगे, ताबुन कुरु देशों, हो सकता है आएंगे। मे बी आई थिंक ही विल कम। ताबुन कुरु तो मोइमस, दोनों सेम है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, ताबुन कुरु देसो एंड ताबुन कुरु तो ओमोइमास। ओके समझ गए। नेक्स्ट है मोस्कास्तारा। मोस्कास्तारा कहाँ पे यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। दिस एडवर्ब इज ऑफ्टन यूज कामो शीरे माशेन। दिस इंडिकेट दैट देयर इज अ लेस प्रोबिलिटी फॉर समथिंग टू हैपन। सॉरी आई नीड टू डू माई रिपोर्ट, आई विच नॉट बी एबल टू गो टू द पार्टी। वोमेन रेपोतोवा यारा नाई तो के नाई। मुश्कास्तारा पातिनी इका नाई कामोशीरे माशेन। मुश्कास्तारा पातिनी इके नाई कामोशीरे माशेन। ठीक है ओके। कामोशीरो माशेन हम लोग यूज करते हैं जहां पे पॉसिबिलिटी लेवल क्या है 50-50 होता है, वहां पे यूज करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है नानी का। ओके कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं चलिए देख लेते हैं। नानी का, दाड़े का, दोको का, इट्स का, प्लस नाउन समथिंग समवन समवेयर एक्सेट्रा। इट्स समथिंग बोदरिंग यू, इट्स समथिंग बोदरिंग यू, कि क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? नानी का सिंपाई कोतोगा अरुंदेस का। नानी का सिंपाई कोतोगा अरुंदेस का, कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? आई गॉट अ चॉकलेट फ्रॉम समवन आई डोंट नो, कि मुझे किसी से चॉकलेट मिली है मुझे नहीं पता। दारे का, कोई जो समवन है, जो पीपल क्या किया है उनको चॉकलेट दिया है जिसको वो नहीं जानते हैं। ठीक है दारे का सिरानाई ही तो नी चोकोरे तो मुरानाई मस्ता, कि मुझे किसी ने चॉकलेट दिया है बट किसने दिया है, कौन दिया है, क्या दिया है उनको नहीं पता है। ओके नेक्स्ट, ये किसी से पूछ रहा है कि दोको का ही रेस्टोरान आरिमास, कि क्या कहीं अच्छा रेस्टोरेंट है? दोको का ई रेस्टोरान आरिमास, कि क्या कहीं पे अच्छा रेस्टोरेंट है? ओके नेक्स्ट क्या है? इट्स मीट वेन यू आर इन टोक्यो समडे। इट्स का टोक्यो नी इरू आई मसो। जो मुलाकात है वो जब आप किसी दिन टोक्यो में होंगे तब होगी। क्या कह रहा है कि किसी दिन जब आप टोक्यो में होंगे तो क्या होगा? मुलाकात होगी। इट्स का टोक्यो, इट्स का मीन्स होता है समडे, टोक्यो नी यानी टोक्यो में आई मसो, कि वहां पे मुलाकात होगी। ओके
नेक्स्ट लेसन है क्वांटिफायर दे इंडिकेट्स द लिमिट ऑफ अ प्राइस टाइम क्वांटिटी एक्सेट्रा. क्वांटिफायर दे कहाँ पे यूज करते हैं? विद दिस अमाउंट बी इनफ. ओके फॉर एग्जाम्पल कैन आई बाय अ गेमिंग कंप्यूटर फॉर 1 लाख येन. जूमान येन दे गेमू कौन पीतागा खाइमास का. क्या 1 लाख में जो गेम कंप्यूटर है उसको खरीद सकते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन यू फिक्स द कार इन 1 आवर. ओके कैन यू फिक्स द कार इन 1 आवर कि क्या आप 1 घंटे में कार को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं. इचिजी कांदे कुरुमा ओ नाओ सेमास का. इचिजी कांदे यानी 1 घंटे में कुरुमा ओ नाओ सेमास का कि क्या आप 1 घंटे में कार को ठीक कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है इज 100 कॉपीज इनफ. इज 100 कॉपीज इनफ कि 100 कॉपी इनफ है. तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत है, जो जापनीज सीखना चाहते हैं, जो महंगी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो घर बैठे आसानी से जापनीज भाषा सीख सकते हैं. सब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ कि आपका जो कोर्स है वो गड़बड़ ना हो जाए. सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. अगर हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो या मेरे वीडियो से सीखने को मिलता है तो चैनल से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय माता आस्था. मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.